किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। जिलाधिकारी पडरौना जलकर परिषद स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर शीतलहर एवं ठंड के बचाव के लिए सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को दिया निर्देश। आपको बता दें, शीतलहर और ठंड के दृष्टिगत जनपद में किसी भी गरीब असहाय बेसहारा व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी व असुविधा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व वैभव मिश्रा के साथ नगर पालिका में भ्रमण कर पडरौना नगर क्षेत्र के जलकर परिसर में बनाए गए रैन बसेरा व जलाए गए अलाव का निरीक्षण कर रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान रैन बसेरा में 50 व्यक्तियों से अधिक की क्षमता है। वहीं निरीक्षण के दौरान रजाई, गद्दा, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध पाई गयी। बता दें की रैन बसेरा में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल से जिलाधिकारी द्वारा वार्ता कर खान पान आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गयी और आगंतुक रजिस्टर भी चेक किया गया तथा पानी एवं शौचालय की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित पाई गई। इस दौरान आगंतुकों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने तथा निरंतर साफ सफाई करने व मोटी जड़ व गांठ वाली लकड़ी के अलावा जलाए जाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। वहीं रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसका अंकन करने व फीडबैक दर्ज कराने का भी DM ने निर्देश दिया। देखिए कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। तो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी कोई कंटेक्ट होगा? नहीं, नगर पालिका एक बहुत लोगों की जिम्मेदारी होती है।